The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right. So, blood clot. अगर आपको blood clot है या अगर आपके शरीर में blood clot है तो क्या सिम्टम आएंगे, किसको होते हैं ब्लड क्लॉट्स, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या डिटरमाइन करता है कि आपके शरीर में हार्ट अटैक जैसे ब्लड क्लॉट आएंगे, आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, इन सब की आज बातचीत होगी. राइट, आपके रिस्क समझे जाएंगे एक्सेसिव ब्लड क्लॉट होने के, आपके फैमिली हिस्ट्री में और कई सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. आपकी लाइफस्टाइल मैटर करती है, आपके चॉइसेस मैटर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पहले अपने वीडियोस में बना चुके हैं, दे चुके हैं, ज़रूर देखना आपको वो भी. सो ब्लड क्लॉट, एक्सेसिव ब्लड क्लॉट अगर किसी के अंदर होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स एज यूजुअल हमने जो बताए उसमें प्ले करते हैं. राइट, और नंबर वन इसमें हम बताएंगे, क्योंकि इसमें अगर मान लो, सबसे पहले ये समझो, ब्लड क्लॉट अगर बन गया, मान लो अगर देर इज़ अ ब्लड क्लॉट जो आपके शरीर की खून की नस के अंदर है, तो खून की नस में अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो उस खून की नस के अंदर ब्लड का फ्लो ब्लॉक करेगा या लिमिट करेगा, या तो बंद कर देगा या कम कर देगा. सिंपल. सो दोनों ही केस में आपको दिक्कत होगी. अगर ये खून ले जाने वाली नस में होगा, आर्टरी में होगा, तो क्या होगा, जिस भी पार्ट को खून जा रहा है वो पार्ट को खून नहीं जाएगा और अल्टीमेटली वो पार्ट इस्कीमिक डैमेज सफ़र करेगा, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, लंग्स हो, लिम्स हो. और अगर ये वापस लेके आने वाली खून की नस होगी, जो खून वापस लेके आती है, तो खून जा रहा है वापस नहीं आ रहा, तो पैर में खून जमा होने लगेगा, खून चमड़ी के नीचे पानी आने लग जाएगा, पैर सूजने लग जाएगा, हाथ जो भी चीज़ें हैं उसमें सूजन आनी शुरू हो जाएगी. सो दोनों ही केसेस में ब्लड क्लॉट हानिकारक है, चाहे वो आपके आर्टरी में आए, चाहे वो आपके वेन में आए. राइट, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, आप समझते हैं, हमारे वीडियोस अगर आप देखते हैं, लेके जाने वाली आर्टरी, वापस लाने वाली वेन. रिस्क फैक्टर क्या है, किसको होते हैं ब्लड क्लॉट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है धुआं, स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. धुआं, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो आज के डेट में बहुत प्रभाव कर रहा है सबके ऊपर. जो लोग स्मोक नहीं भी करते हैं, ट्रैफिक में घूमते हैं, उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट देखा जा रहा है. सो धूल मिट्टी, धुआं, स्मोकिंग, सिगरेट, सेकेंडरी स्मोक, इन सबसे बचिए. सेकेंड बिग थिंग इज़ योर वेट, ओबेसिटी. जी हाँ, ये कुर्सी आपकी दुश्मन है. कुर्सी के ऊपर बैठ बैठ के एक्टिविटी कम करके आपका वज़न बढ़ गया है, आपकी ओबेसिटी बढ़ गई है. वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से क्लॉटिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा ही एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनते हैं, शरीर के अंदर क्लॉट के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये हर एक प्रेगनेंसी में होता है. उसके अलावा कई सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप बेड पे ही बहुत दिनों तक हैं, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, चाहे सर्जरी के बाद हो, चाहे फ्रैक्चर के बाद हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो, चाहे आपको कोई किसी लंबे समय के लिए कोई पेशेंट का, मान लीजिए कोई कोमा में पेशेंट है, उसके अंदर भी क्लॉट बनने के खतरे होते हैं. राइट, या कोई बीमारी की वजह से ही वो चल नहीं फिर नहीं पा रहा, तो भी क्लॉट बनने का खतरा होता है. सो ये ब्लड क्लॉट्स अंदर ही अंदर खून की नसों में, आर्टरीज में, वेन्स में बन सकते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. उसके अलावा इवन लंबे समय तक एक जगह बैठना, जैसे कि अगर आप 12-18 घंटे के लिए कार में बैठ गए या लंबे प्लेन की ट्रिप में बैठ गए, तो भी क्लॉट बन सकते हैं, पैरों की मूवमेंट नहीं हो तो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मूविंग योर लेग्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स. बहुत ज़रूरी है पैरों को मूव करते रहना, आपके पाम्स, आपके सोल्स को मूव करते रहना, चलना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉकिंग इज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन एवर गिव योर बॉडी. राइट, फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेती हैं, हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो लेते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी जो लेते हैं, या कैंसर जिनको है, उनके अंदर भी क्लॉटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ देखी जाती है, जिससे पता चलता है कि हाँ, आपको क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग रिस्क है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हार्ट का रिस्क है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क है, क्या क्या रिस्क है. जेनेटिक
डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, इनहेरिटेंस होता है एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग का, पर वो कॉमन नहीं है, बिल्कुल है, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैमिली में आता है, जिनको मान लीजिए हार्ट की बीमारी बहुत रेगुलरली आती है, जो फैमिली में डेंजरस ब्लड क्लॉट्स हैं, तो वो इतने रेगुलर नहीं है कि हर एक को होगा ही होगा, बट यस माइल्ड रिस्क फैक्टर तो ज़रूर बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ब्लड क्लॉटिंग की हिस्ट्री है, डेंजरस ब्लड क्लॉट्स आए हैं आर्टरी में, वेन में, हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो आपको 40 की उम्र के बाद अपने टेस्ट करा लेने चाहिए और अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा जो एक्चुअल बीमारियां होती हैं जो ब्लड क्लॉट करती हैं वो भी हैं, जैसे कि कई सारी हाइपर कोएगुलेशन करने वाली बीमारियां हैं, शरीर में एक जगह पे इतना इरिटेशन करेंगी कि कोएगुलेशन बढ़ जाएगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, प्लेटलेट्स एग्रीग्रेट होकर ब्लड क्लॉट बढ़ जाएगा, ऐसी बीमारियां भी है। ऐसी बीमारियां आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में ज़्यादातर दिक्कतें करती हैं। ये बीमारियां सबसे कॉमन आर्थरोस्क्लेरोसिस, जो हमने वैक्सी कोलेस्ट्रॉल प्लेक जमा होते हैं कई बार सुना है, देखा है, अटैक होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं उससे, इनके वजह से भी ब्लड क्लॉट बनते हैं। ये प्लेटलेट एक साथ जुड़ के क्लम्प बन जाता है वहाँ पे, साइड पे डैमेज करता है और साइड में जुड़ जाता है, कभी कभी क्लॉट टूट के दूसरी जगह जाके फंस जाता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, वन बिग थिंग। फिर वैस्कुलाइटिस का मतलब खून की नस के अंदर ही इन्फेक्शन है, खून की नस के अंदर इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं हो, खून के नस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, सूजन भी आएगी और क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, तो क्लॉट बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डायबिटीज़ में भी कुछ ऐसे ही होता है, डायबिटीज़ में भी आपके इवेंचुअली क्लॉट बनने की फैक्टर टेंडेंसी बढ़ जाती है, प्लैक्स एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाते हैं, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी आज नहीं तो कल होती ही होती है। हार्ट अटैक हो जाने के बाद भी जब हार्ट फेल होने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा ब्लड नहीं पम्प कर पाता बाहर, तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी क्लॉट के रिस्क बढ़ जाते हैं। हार्ट के अंदर अगर पंपिंग में वेरिएशन आ जाए, पंप कर रहा है नॉर्मल में, अगर वो पंप करने की जगह सिर्फ फड़फड़ाने लग जाए हार्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी कि आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है कुछ देर के लिए, सिर्फ फड़फड़ा रहा है, अरिदमियाज हो रही है, रिदम प्रॉब्लम हो रही है, इररेगुलर बीट्स हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में हार्ट के अंदर खून जो है रुक रुक के जाता है, क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे सिचुएशन में भी। राइट, हमने ऑलरेडी बताया मोटापे से, ओबेसिटी से एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट का रिस्क भी बढ़ता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, मोटापा, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, तो ये सारी चीज़ों में आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसी ही बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट ब्रेन तो है ही, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लेकिन पेरिफेरल यानी हाथों की, पैरों की, खून की नसों में, पैरों में जाने वाली या लेके आने वाली खून की नसों में बीमारियाँ हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक बड़ी चीज़ है, लेकिन क्लॉट कहीं बनना एक और चीज़ हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की चीज़ होती है एक, डीवीटी। डीवीटी आपके खून की नसों में जो वापस लेके आती है आपके पैर से, वहाँ पे बनती है वेन में, और ये वेन के अंदर क्लॉट बन जाता है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस यानी क्लॉट, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पैरों में ज़्यादा होता है, और ये क्लॉट क्या करता है, वापस आने वाले खून रोक देता है, तो पैर सूजने लग जाता है, दिक्कत होने लग जाती है, कई बार वहाँ से पैर से क्लॉट टूट के या निकल के ऊपर आके हार्ट के थ्रू लंग्स में, फेफड़ों में घुस सकता है। फेफड़ों में घुसना एक हार्ट अटैक से भी डेंजरस बीमारी है, एक बिजली सी चमक जाती है, ऐसा मान लो बिजली जो कड़क के अगर आपके ऊपर गिर जाए, उतनी खतरनाक बीमारी है, इंस्टेंट डेथ हो सकती है, जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है अगर क्लॉट जाके फेफड़ों की खून की नस में आ जाए, एकदम कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, हाइपोटेंशन होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सैचुरेशन ड्रॉप होगा ऑक्सीजन का, तो ये एक बीमारियां है खतरनाक, क्लॉट इतना डेंजरस होता है। हार्ट अटैक तो डेंजरस है ही, ब्रेन अटैक तो डेंजरस है ही, लेकिन ये भी डेंजरस है। उसके अलावा अगर ये तो हुआ वेन में, पैर से आने वाली वेन में, लेकिन अगर जाने वाली खून की नस में क्लॉट हुआ, तो जाने वाला खून की नस में क्लॉट कभी वापस नहीं आता, जाने वाला क्लॉट कभी हार्ट के अंदर, लंग के अंदर, दिमाग के अंदर वापस नहीं आएगा, वो जाएगा, वो जाने वाली खून की नस अगर ब्लॉक हो गई, मान लो हाथ में हो गई, तो जहां ब्लॉक हुई है खून की नस, वहां से आगे जाने वाला हिस्सा उसमें खून नहीं जाएगा, वहां दर्द होगा, सुनपना आएगा, फिर काला पड़ने लगेगा, अगर वो नहीं खोला गया जल्द से जल्द कुछ ही घंटों में, तो हाथ काटने तक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़।
इसमें खून की नस सिकुड़ भी जाती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें, और जो लोग को डायबिटीज़ है उनमें, और क्लॉट भी आ जाता है जो हमने बताया। दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती है कई बार, नैरोइंग प्लस क्लॉट, ये दोनों बीमारियां इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। तो सोचिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो क्लॉटिंग के ऊपर आती है। मेडिसिंस भी हैं, दवाइयाँ भी कई सारी हैं जो हमने बताई, हॉर्मोन्स फैक्टर्स ज़्यादातर ईस्ट्रोजन या बर्थ कंट्रोल पिल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। होमोसिस्टिन लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर आपका होमोसिस्टिन लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है वेस्कुलर डिजीज़, क्लॉटिंग बढ़ जाने का शरीर के अंदर, डैमेज होने का आर्टरीज में, वो तो है ही। बेड रेस्ट, प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल, ये सब हमने बताया है। अगर कभी डिहाइड्रेशन हो जाए, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो भी आपकी खून की नसें नैरो हो जाती हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो पानी कम पीना अपने आप में गलत है ऐसे सिचुएशंस में, राइट। प्रेगनेंसी मैं बता चुका हूँ, प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, यूट्रस भी वेन को कंप्रेस करता है, बड़ा हो जाता है ना पेट का, तो वापस आने वाली खून की नस को कंप्रेस करता है, दैट ऑल्सो कैन लीड टू सम क्लॉट रिस्क एनालिसिस। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर आपको क्लॉट होगा, कहीं पे भी क्लॉट होगा, तो इन्हीं कारणों से में होगा, तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी है कि आपको क्लॉट, ब्लड क्लॉट होगा तो क्यों, कोई मेजर सर्जरी हो गई, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, ऐसी चीज़ों में कोई इम्प्लांट डिवाइस डाल दिया, तो वो फॉरेन बॉडी के ऊपर आपका सर्जरी के बाद क्लॉटिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो रिमेंबर, ये सारे फैक्टर्स में से कुछ भी आपको रहे तो अपने डॉक्टर से बात करें कि भाई हम कैसे इससे बचें, स्मोकिंग छोड़ें, लूज़ वेट लूज़ करें, फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री देखें अपनी, और रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, इसी से आप ब्लड क्लॉट से बच सकते हैं। हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ, ओनली बाय प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेस्ट देन क्योर, नॉट बेटर, इट इज़ द ओनली बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो ये हुई बात क्लॉटिंग कैसी होती है, कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एज यूजुअल, एंड ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस आंसर करने के। ऑलराइट।